आज आपको बताते हैं भाकड़ क्षेत्र के कुछ विलेज। हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं ट्राइबल विलेज इंडियन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आबू रोड से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूं। इन क्षेत्र में चारों तरफ अरावली की पहाड़ी है और पूरा जंगल है, तो इन जंगलों में आदिवासी लोग किस प्रकार रहते हैं वो आपको आज विजिट करवाते हैं, और उनके घर किस प्रकार के हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। यहाँ के लोग पहाड़ी क्षेत्र में सौंफ की खेती की हुई है, और यहाँ पर सरसों बोए हुए हैं, इधर सब्जी है, और सामने घर देख सकते हो आप, इस प्रकार ये घर हैं। चल के बताते हैं आपके किस प्रकार घर हैं, इस प्रकार ये सब बांस के बने हुए झोपड़ी हैं, ऊपर भी सब बांस ही लगाए हुए हैं। इस प्रकार ये झोपड़ी है। हम फाइनली घर के अंदर आ चुके हैं, और आपको बताते हैं कि बकरी बांधने के लिए वो किस प्रकार के ये बनाए हुआ हैं, तो वो सब आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हैं बकरी बांधने के लिए, आप देख सकते हो इस वीडियो में सब बकरी बांधी हुई है, और इधर ये सब पत्थर से बनाया हुआ है मकान, पूरी मिट्टी से, तो आप देख सकते हो इस प्रकार मिट्टी है। अंकल जी ऊपर क्या है, ऊपर 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 हाँ ऊपर कोई नहीं, खाली भीतर भी भीतर अंदर भीतर बोल रहे हैं, और अंदर जाके आपको बताते हैं किस प्रकार का है। तो गाइज आप देख सकते हो इस प्रकार ये भीतरी भीतरी अंकल जी बोलते हैं, वो इधर लकड़ी के बनाए हुए हैं ना, ऊपर की साइड इस प्रकार दिखता है। ऊपर लोग सोते भी होंगे हैं, ऊपर लोग सोते भी होंगे ना, कोई ना दोस्त है वो। अंकल जी को मैंने बोला वो समझ में नहीं आया अंकल जी, तो इधर भी इस प्रकार है, ऊपर की साइड केलो लगे हुए हैं आप देख सकते हो, इस प्रकार मिट्टी के केलो हैं। केलो हाथ से बनाए अंकल जी के, आपने खरीद के लाए ये केलो ऊपर लगे, ये हाथ से बनाए कि आपने खरीद के लाए हुए? वो तो था मोटा हम हो भी तो नहीं था आने पर तो है बुलाई तो नहीं थे मैं कह रहे हुए कर दो। तो आपने गाइस तो अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं कान से सुन नहीं सकता, आपको जो लेना हो वो वैसे शूट कर लो, तो इसलिए फाइनली हमने घर विजिट कर लिया है। हम बाहर निकले हैं, अभी वापस चलना है मेरे को आबू रोड। ये आबू रोड से मिनिमम 25 किलोमीटर के पूरे जंगल में आया हुआ है भाकड़ क्षेत्र। भाकड़ क्षेत्र में बहुत से गाँव हैं, तो गाँव के मैं नाम तो आपको नहीं बता सकते, आप इधर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। यहाँ पर आना हो तो आप यदि 4 बजे के फाइनल उसके बाद इधर आने की संभावना नहीं है, क्योंकि लूटपाट ज़्यादा रहता है। यहाँ के लोगों से बात हुई तो वो लोग भी बताते हैं कि 5 बजे के बाद इधर आना जाना बंद रहता है, लूटपाट ज़्यादा रहती है, बाई चांस लेडीज हो जेंट्स हो तो अनजान व्यक्ति तो इधर आ नहीं सकता। यहाँ के लोग रहते हैं वो भी बाहर नहीं जाते, 5 बजे के बाद अपने घरों में ही रहते हैं और इधर इधर कहीं नहीं घूमते हैं, तो वो है इस प्रकार का माहौल। आप इधर विजिट करते हैं तो दिन में विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा है, पूरा जंगल है और पहाड़ी इलाका है, आबू रोड से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और यहाँ से गुजरात बॉर्डर भी नज़दीक पड़ता है, मिनिमम 15 किलोमीटर की दूरी होगी गुजरात बॉर्डर। और यहाँ के पहनावे भी अलग हैं, और बाली क्षेत्र और उदयपुर के क्षेत्र में आदिवासी ग्रासिया लोग रहते हैं, उनके पहनावे अलग हैं, नहीं उनकी भाषा भी अलग है, और यहाँ के लोगों की भी भाषा अलग है।